तहसील परिसर मंडी में एक विधायक शाह मोहम्मद तंत्र ने मीडिया से बात की, संवाददाता अमरजीत सिंह बताएं। और आज जो है एहतजाजी शक्ल में एक रैली जो है वो तहसील असल में मोदी साहब यहाँ पे जो आवाम इस वक्त एक किस्म के जुल्म सुजुम की चक्की में पिस रही है, बेरोजगारी अपने इंतहा पे है, हर घर में दो दो बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। ऊपर से जो गवर्नमेंट ने जो ये हर महीने बिजली का बिल बढ़ाना, हर महीने उनका उसका किराया बढ़ाना 200 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, हम ये अरबाब इंतज़ार को कहना चाहते हैं कि वो क्या उनको ये समझ नहीं आ रही है कि ये बेरोज़गार लोग हैं, ये जो BPL के ज़मरे में 90% से ज़्यादा लोग हैं, मज़दूरों का ये सारा तबका है, ज़मीनें इनके पास नहीं है, गवर्नमेंट के राशन पे ये निर्भर करते हैं, ये कहाँ से लाएंगे 1000 रुपये 2000 रुपये दो दो बल्बों के लिए? यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ नहीं जा रही हैं, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, दो बल्ब लगाए हैं उसके लिए आप 1000 2000 रुपये ये जो इनसे किराए मांग रहे हैं। हम इसके खिलाफ हमने अपना शदीद एहतजाज दर्ज किया और ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है, दिल्ली के लोगों को मुफ्त पानी मिल सकता है, पंजाब के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है, पंजाब के लोगों को मुफ्त पानी मिल सकता है, तो हम जिन लोगों ने जगह देखी है, मिलिटेंसी का तूफान सा है, तो क्या हम इसके मुस्तहक नहीं हैं कि हमें भी सहूलियात दी जाएँ? आप बाहर के मुल्कों को 70-70 हज़ार करोड़ रुपये की एड दे रहे हो और जो अपने लोग हैं वो तरस रहे हैं इस वक्त, वो कहाँ से लाएंगे बिल? और वो हर महीने वो बिल देंगे आपको और ऊपर से आप कह रहे हैं पानी का भी मीटर लगेगा, ये जुल्म व सितम की बातें हैं। क्या गवर्नमेंट को इस चीज़ की समझ नहीं है कि दो दो बच्चे जो हैं इस वक्त 3-3 बच्चे हर घर में पोस्ट ग्रेजुएट बैठे हैं, अपने माँ बाप ने जो जितनी पूंजी थी जितनी मेहनत थी बच्चों पर लगाई और आज वो बच्चे मायूसी की हालत में हैं और ऊपर से आप रोज़ाना बिल भेजना शुरू कर दो तो वो उनकी ज़िंदगी का कैसे गुजर बसर होगा? जैसे वो राशन मिलता था हमें APL के तहत जो रियायती मिल के वो आपने ख़त्म कर दिया, क्या 5 किलो पे एक आदमी महीने के लिए जिंदा रह सकता है? ये एक मजाक किया जा रहा है गरीबों के साथ। हम ये अरबाब इकतदार को लेकिन गौर साहब को कहना चाहते हैं कि ये बिजली का बिल फिर फोर माफ़ कर दिया जाए और पंजाब के पेट्रोल पर और दिल्ली के पेट्रोल पर यहाँ भी हमें मुफ्त बिजली दी जाए। अगर हमें नहीं दे सकते कम से कम जो BPL के लोग हैं उनको ये बिजली मुफ्त दी जाए। उसके बाद दूसरी बात ये है, हम आवाम से भी पूछना चाहते हैं, आपसे भी जो मीडिया वाले लोग हैं बताएं 2018 में हमारी सड़कों की क्या हालत थी, किस कदर बेहतरीन सड़कें बनी हुई थी जहाँ पर आपको गियर तक नहीं बदलना पड़ता था, आज आपकी सड़कों की क्या हालत है? फंड्स हमारे पास हैं, आपने DDC मेंबर्स बनाए, आप लोगों ने उनका इंतखाब किया, वो इस वक्त दे आर कंसीडर्ड टू वॉच डॉग्स ऑफ दिस एरिया, दे हैव टू मॉनिटर वेदर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड फंड्स आर यूटिलाइज प्रॉपरली आर नॉट, लेकिन वो घरों में बैठे हैं, वो दुबई के शो करते हैं, वो सैर सपाटे के शो रखते हैं, 6 महीने के बाद अचानक यहाँ पे आ जाते हैं और नया ड्रामा करके फिर जॉब चले जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो चाहे वो DDC मेंबर हमारा मंडी का हो या रोड का हो, अगर उनके पास जमीर राम की कोई चीज़ है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वो फेल होती है हर चीज़ में, वो सड़कों की हालत है, इस वक्त सड़कों की हालत क्या है, हमारा ट्रक नहीं चल सकता है इन सड़कों पे, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको देखना चाहिए वो क्या ड्रामाबाजी करे, 4 महीने यहाँ से गायब हो जाते हैं, 5 महीने गायब हो जाते हैं, 5 महीने के बाद अचानक कोई ना कोई ड्रामाबाजी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे JGM के तहत हमारे कम से कम 1 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मंजूर हुए, ये DDC मेंबर्स का हक बनता था, फर्ज बनता था, उन्होंने ये यूटिलाइज करवाना था, क्योंकि आज स्कीम बदल चुकी है, आज ये AEW के हाथ में नहीं है, JEE के हाथ में नहीं है, फर्म में टेंडर डालती हैं, उन्हें ये देखना था फर्म काम कर रही है नहीं कर रही है, JEE ने उसमें क्या करना है, लेकिन चूँकि उनको फुर्सत दी अशरत से सैर सपाटों से, वो दिलदादा हैं जम्मू के, वो दिलदादा हैं मुंबई के, वो दिलदादा हैं दुबई के, आवाम से पूछना चाहता हूँ क्या कभी आपने 6 महीने से पहले उनको देखा है यहाँ पे? 6 महीने ऐश करके आते हैं और फिर बेड रेस्ट होके कोई ना कोई ड्रामा कर देते हैं, तो मैं कहता हूँ इखलाकी तौर पर उनको मुस्तफ़ी होना चाहिए। उनके पास इस वक्त MLA फंड से ज़्यादा फंड हैं, एक एक DDC को 1-1000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए गए हैं और उसके बाद एक जो MLA होता था उसको MLA फंड 60 लाख रुपया हर ब्लॉक का मिलता था और हमारे जो आज DDC मेंबर हैं इनको 76 लाख रुपया MLA फंड मिलता है। कहाँ गया वो पैसा? कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं? कहाँ है वो फंड्स? हमारे लाइफ हुए काम देखिए,
डिग्री कॉलेज हमने मंजूर करवाया 2018 में, कोई चैलेंज नहीं कर सकता हम गलत करें। 7 साल से यहाँ BDC में रहे, यहाँ DDC रहे, उनको शर्म आनी चाहिए। अभी तक बिल्डिंग का काम भी शुरू करा सके, फिर वो किसके नुमाइंदे वो ठीक नहीं करवा सके। चमर की रोड जो 2017 में मंजूर हुई, अब हम जाकर DDC साहब का शुक्रिया, DDC पुंछ चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी जाती काशों से चमर की रोड शुरू हुई, प्याला की रोड शुरू हुई, जिनकी जाती काशें हैं। लेकिन जो हमारे नुमाइंदे वो बताएं आवाम में कहाँ है वो, अभी वो आएंगे, आप देख लें उनकी हिस्ट्री देख लें, पिछले 2018 से आज तक ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने इलाके में 10 बार रहे होंगे। 6 महीने के बाद साल में सेल्स पेट करके फिर आवाम को उल्लू बना रहा है, बनाया जा रहा है। तो मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ, आवाम देखे वो कौन है जो दुख सुख में साथ है। आज हर घर में एक परेशानी बढ़ी, बिजली का बिल आया 1000 रुपये कहाँ देना होंगे, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता था आवाम के दुख दर्द को वहाँ तक पहुँचाना, क्योंकि उनको उस बात का इलम ही नहीं है दुख दर्द क्या होता है, परेशानी क्या होती है, गैस सिलेंडर कहाँ पे पहुँचा है, राशन हमें पूरा मिल नहीं रहा है, जो आसार निर्त वो नहीं है। और दूसरी हम गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करेंगे, अभी भर्ती हो रही है पुलिस में, हम उनसे ये अर्ज करना चाहते हैं 10-10 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बच्चों को एज रिलैक्सेशन दो। ये जो आपने रखा 20 साल 24 साल, इसको रिलैक्स करो, इसको 28 तक पहुँचाओ, ताकि सारे बच्चे फॉर्म भर सके और उनको नौकरियाँ मिल सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौजवानों का ख्याल रखो, यहाँ पे सड़कों की बुरी हालत है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, JGM का जो करोड़ों रुपया था इसके जिम्मेदार सिर्फ DDC मेंबर्स हैं। इस वक्त गगड़िया में, सर्दिया में, इस सेक्टर में JGM जो प्लान बना था, जो पंचायतों ने मंजूर करवाया था, वो कम से कम 20 टैंक है।